All right guys, welcome back to another a new gameplay video. कैसे आप सभी लोग friends? Hope you everybody's are doing well. Well guys, आज अपन खेलने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मस्त सा मोड Minecraft में. Basically guys, आज मैं खेलने जा रहा हूँ one block. And आप लोग comment में काफी ज़्यादा मेरे को बोल रहे थे कि यार तो normal सा Minecraft खेलता है, क्यों ना कुछ different सा try कर. तो that is why यार आप लोग का comment आ रहा था कि sky block try कर या फिर one block या फिर hardcore. तो मैं सोचा यार one block का try करा जाए, काफी ज़्यादा OP सा लग रहा था. मैं research किया, मेरे को पता चला बहुत ज़्यादा मजेदार था. एंड थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में, जो जो लोगों को नहीं पता, काफी लोगों को वैसे पता होगा. तो बेसिकली गाइस जो वन ब्लॉक होता है वो नॉर्मल माइनक्राफ्ट अपन जो खेलते हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, यानी कि जो 50% है वो डिफरेंट होता है. बेसिकली गाइस जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट होता है उसमें अपन क्या करते हैं, अपन सर्वाइव करते हैं नॉर्मली, अपन माइनिंग करने जाते हैं, वहां से सामान लाते हैं, रिसोर्सेस लाते हैं, कोई भी जगह कोई भी बायोम या कोई से भी स्ट्रक्चर में अपने को जाना हो अपन नॉर्मली जाते हैं. लेकिन भाई जो वन ब्लॉक होता है वो बेसिकली तो क्या बोलते कुछ रहता ही नहीं है. एक बताओ अगर तो लैंड वैंड कुछ नहीं रहता, वहां पर चल भी नहीं सकते, वो आसमान में बना रहता है. एक ब्लॉक के ऊपर अपनी पूरी दुनिया होती है. एंड उस ब्लॉक को यार अपन इन्फानाइट बार यानी कि अनंत बार भाई माइन कर सकते हैं. एंड उसको माइन करने से अपने को काफी ज्यादा रिसोर्सेस मिलेगा. एंड अपने को उस जगह को एक्सपेंड करना है और अपना एक वर्ल्ड बनाना है. तो यार बहुत ज्यादा ओपी सा मोड है यार बेसिकली. तो जल्दी से गेम में आते हैं, गेम में भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द गेम. एंड गेम स्टार्ट करने से पहले यार अपने वर्ल्ड का नाम मैं रख लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखा हूँ हाईजैक वन ब्लॉक. बेसिकली गाइस मेरा नाम आइजैक है और उसका प्रोनाउंसिएशन मेरे नाम का आइजैक भी है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो मेरे को हाईजैक हाईजैक बोलते, तो मैं उसी के नाम से सोचा कि वर्ल्ड बना लेता हूँ. और देखो गाइस फाइनली अपना जो वर्ल्ड है वो जनरेट हो चुका है. एंड जैसा मैं आप लोग को बता रहा था, देखो पूरी और आसमान है भाई और अपन सिर्फ एक ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए जिसको अपन इन्फानाइट बार तोड़ सकते हो. एंड उससे जो अपने को रिसोर्सेस मिलेगा उससे भाई अपने वर्ल्ड को यानी कि इस जगह को भाई अपने को एक्सपेंड करना है. एंड देखो यहां करने से मैं जैसे ही कूदूंगा गाइस मैं डायरेक्टली मर जाऊंगा. यहाँ कने लिखा जाएगा कि fell out of world, यानी कि आप world के बाहर कूद गए हो. तो देखो यहाँ कने मैं जैसे ही ये one block को तोड़ रहा हूँ ना guys, उसके बाद मेरे को इतना resources मिलेगा, यानी कि Minecraft में जितने भी चीजें वो मिलेगा. और देखो मैं यहाँ पर करते माइनिंग करते गया और मेरे को एक cow मिल गई, नाइस यार, और काफी ज्यादा डर्ट भी मिल गया. तो अपने को कुछ नहीं करना है गाइस, ऐसी जितना भी सामान अपने को मिलते जाएगा वैसे अपने को अपने पूरे वर्ल्ड को ना यानी कि एक्सपेंड करना है, क्योंकि अपन एक ब्लॉक में तो रह नहीं सकते. और देखो गाइस यहाँ कने जो काऊ है गाइस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये वाली जो गाय थे मेरे लिए, वो भाई मेरे खाने के काम आ जाती, क्योंकि मेरे कने अभी खाना नहीं है और उससे ब्रीडिंग करवा के गाइस मैं यहाँ कने एनिमल वाला फार्म भी कर लेता. लेकिन गाइस जैसे ही मैं वन ब्लॉक को तोड़ा वैसी वो गिर गई. तो यही पूरा मोटा मोटी कहानी गाइस, अपने कने वर्ल्ड नहीं, अपने कने एक ब्लॉक में वर्ल्ड है, अपने को अपने वर्ल्ड को एक्सपेंड करना है यानी कि वन ब्लॉक से. तो ये वन ब्लॉक को अपन तोड़ते रहेंगे और देखो मेरे को सामान मिलते रहेगा. और स्टार्टिंग में बस मेरे को ऐसा लग रहा है उतना तो मेरे को आता नहीं खेलना, ये मैं भी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ. तो देखो स्टार्टिंग में अपन इसके ऊपर खड़े रह के सामानों को तोड़ रहे थे तो अपने को पूरा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर अब खड़ा होकर तोड़ा तो मैं गिर गया. और देखो गाइस यहाँ कने अब चेस्ट आ गया, चेस्ट जनरेट हुआ, उसके अंदर से मेरे को एक तो एप्पल एंड एक तो सैपलिंग मिला जो कि पेड़ का है. तो जल्दी से उस सैपलिंग को मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि सैपलिंग से अभी अपने कने रिसोर्सेज का हद से ज्यादा कमी है अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो. जो एक एक चीज है गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो नॉर्मल सा सैपलिंग मिला है लेकिन भाई वो सैपलिंग को मैं अभी लगा दिया हूं कहते डर्ट में और सैपलिंग उग के भाई एक तो पेड़ बन जाएगा यानी कि एक तो ट्री बन जाएगा. और देखो गाइस यहां कने फाइनली एक तो शिप आ गई है, शिप से अपने को एक तो वुल मिल सकता है, यानी दो भी मिल सकता है, वो उसके ऊपर है, वुल मिल सकता है और शिप का यार अपने को एक तो रॉ मीट भी मिल सकता है जिसको गाइस अपन फर्नेस में पका के अपने खाने का इंतजाम कर सकते या फिर रॉ भी खा सकते. तो यानी एक एक चीज जो है ना गाइस जो नॉर्मली अपने को वर्ल्ड में घूमते घूमते मिल जाता वो यहां मिल रहा है. और देख रहे हो यहां पर दो शिप आ चुकी गाइस, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो मेरे कने रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है. यहां कने सब कोई एक अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना अगर लोकल भाषा में अपन अभी अधर में खड़े यानी कि अपन छोर में खड़े हुए गाइस. अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ ना ये शिप गिर जाएगी, ये काऊ गिर जाएगी और मैं इन लोग को ब्रीडिंग करवा के बच्चा पैदा भी नहीं करवा सकता और यहाँ कने फार्मिंग भी नहीं करवा पाऊंगा. तो इन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो मेरे कने दो शिप का जुगाड़ हो गया, इन लोग को मैं ब्रीडिंग करवा के कहते यहाँ और शिप लोग को बनवा सकता हूँ. लेकिन भाई जो मेरे कने अभी काऊ है वो अभी मेरे कने सिंगल ही काऊ है, तो यानी कि सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितना भी सामान
मेरे को मिल रहा है जैसे कि वो डर्ट मिल रहा है, और देख रहे हो गाइस जो मेरी काउ है वो एच में खड़ी हुई है भाई वहां कने लाइन के, अगर वो गलती से गिर गई नुबड़ी तो मेरा यहीं कने काम हो जाएगा और मेरा कम से कम 2 से 3 रॉ बीफ का मीट चल देगा। तो बाय द वे यहां कने जितना भी मेरे को सामान मिला है जैसे कि क्ले एंड वो जो ओक लॉग बोलते हैं ना वो मिला है, उसका मैं ओक प्लैंक बना लिया हूं। बेसिकली एक ओक लॉग से 4 प्लैंक बन जाता है, तो यहां कने मेरे को एक्सपेंड करना है, तो जल्दी जल्दी इसको एक्सपेंड करते। तो देखो यहाँ का नहीं अपना मेरा प्लैंक लग गया गाइस, और जो भी यानी कि अपन सोच रहे ना गाइस यहाँ का नहीं अपना, जैसे अपन नॉर्मली सर्वाइवल सीरीज में जैसे मैं बनाता हूँ आप लोग देखते होंगे, देख लेना प्लेलिस्ट बने उसका भी, उसमें सर्वाइवल सीरीज खेलता हूँ, तो उसमें जैसे अपन शो ऑफ नहीं करते, यानी हर एक चीज को जमा जमा के थोड़ा जमना चाहिए और थीम आना चाहिए, डिजाइनिंग वजाइनिंग ये कुछ नहीं होता गाइस, इसमें जो है उसी में काम निकालना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। और देख रहे हो गाइस ये मैं फर्स्ट टाइम अपने माइनक्राफ्ट में इतने दिनों से खेल रहा हूं, यानी कि कई महीना हो गया, फर्स्ट टाइम मैं ये वाली काउ को देखा हूँ गाइस जो कि मशरूम वाली काउ है, एंड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रेयर होती है यार ये काउ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यार भगवान बस ये मत करे उसको गिरा दे, अगर वो गिर गई तो भाई खाने वाने का जुगाड़ पूरा चल देगा। और देख रहे हो गाइस रिसोर्सेज इतना लिमिटेड है कि अपन कहां पर सब चारों पांचों खड़े, थोड़ा सा भी अगर धक्का मुक्की हुआ तो वो गिर जाएगी भाई, कोई भी नहीं गिरना चाहिए यार यहाँ कने, सब मेरे लिए प्राइसलेस है यार लिटरली बताऊं तो जा भाई वहां कने मेरे को ये वाले ब्लॉक को खोदने दे, क्योंकि ये वाला ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को यहीं से सामान मिलेगा। और देख रहे हो गाइस सेकंड वाली जो काउ है मशरूम वाली वो भी फाइनली आ चुकी है और अभी तक मेरे कने कुछ सामान नहीं है, तो देखो जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ कने माइनिंग करना है, जितना भी सामान मेरे को मिलेगा उसी सामान में मेरे को आगे चीजों को बनाते रहना है। और गाइस यहाँ कने से क्या क्या नहीं मिल सकता, यानी कि डायमंड गोल्ड हर एक चीज यहाँ कने से मिलेगा, जहां अपन माइनिंग करने जाते हैं ना और चीजों को ढूंढने जाते हैं वो अपने को नॉर्मली इसको अपने को माइनिंग करने से मिलते रहेगा। मैं बोला था ना स्टार्टिंग में ये एक इन्फानाइट ब्लॉक है जिसको आप अनंत काल तक माइनिंग कर सकते हो, अनंत टाइम यानी कि काउंटलेस भाई यानी गिनती नहीं इतना टाइम तक आप माइनिंग कर सकते हो। तो मेरे को जितना भी सामान मिला उसका मैं स्टिक और क्या बोलते क्ले से अपना एक तो क्ले का ब्लॉक बना लिया हूं, क्योंकि मेरे को ब्लॉक की जरूरत है, क्योंकि मेरे को ब्लॉक से यार अपने जो भाई जगह को, और देख रहे हो यार एक जन मेरी एनिमल है वो फाइनली नीचे गिर गई और यार बहुत ज्यादा मेरे को दुखी हो रहा है यार, बहुत ज्यादा मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि यार इन लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे वो सब छोड़ो उन लोग तो आते रहेंगे, यहां कने जितना भी काम का चीज है जैसे कि माइनक्राफ्ट में जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है वो होता है अपना क्या बोलते पिकैक्स एक्स एंड सॉर्ड, क्योंकि भाई इसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे लिटरली मैं बताऊं, तो वो सब मेन चीज को मैं बना लेता हूं, क्योंकि इतने सारे जो ब्लॉक आ रहे गाइस मैं कब तक उन लोगों को हाथ से तोड़ते रहूंगा माइन करते रहूंगा, बहुत ज्यादा देर लग रहा है। तो यहां कने जितना भी काम का सामान है वो सबको बना लिया और थोड़ा बहुत फेंस भी बना लिया स्टिक के मदद से, क्योंकि गाइस जो मैं जगह को एक्सपेंड किया हूं ना उसको मेरे को घेरना है, क्योंकि जितने भी मेरे एनिमल देख रहे हो स्टार्टिंग में 5-6 थे, मेरे कने 2 से 3 शिप थी और 2 से 3 भाई वो क्या बोलते मशरूम वाले क्या बोलते काउ थे, लेकिन भाई उन लोग सब कोई गिर गए क्योंकि मेरे कने जगह ही नहीं यार इतने छोटे जगह में, सब अड़ के खड़े हुए इसलिए यार इधर उधर चिपक चिपक के गिर जा रहे। बाय द वे ये जो चलते ब्लॉक है इसको मैं यहाँ कने लगा देता हूँ, और जो मेरे को फैंस मैं अभी बनाया हूँ ना गाइस वो फैंस से मैं ये वाले जगह को घेर देता हूँ। अगर अरे यार शिट मैन शिट, मैं क्या सोच रहा था पता है ये वाला फैंस को नीचे लगाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन भाई ये वेस्ट हो गया देखो, क्योंकि यार एक एक चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेस्ट हो रहा है ना तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, पर कोई नहीं अब क्या कर सकते और अपने को यार मैनेज करना पड़ेगा। तो लेट्स गो जल्दी से वापस से माइनिंग करते हैं यहाँ कने, और यार माइनिंग नहीं करते यार ये वाला मेरे को ना वो चाहिए था वुड, क्योंकि मैं सोचा उससे ना वापस से मैं फैंस बनाऊंगा। और भाई साहब यार मैं गलती से यार मेरा पैर फिसल गया यार, मैं क्राउच वाला दबाया नहीं था, वो क्राउच वाला दबा के काम करो तो पैर नहीं फिसलता, लेकिन वो क्राउच वाला मैं दबाया नहीं था यार, अब वापस से माइनिंग करना पड़ेगा। और देख रहे हो गाइस जितना भी सामान मेरे इन्वेंटरी में था वो सब जा चुका है, बाय द वे यहाँ कने मेरे को ब्रेड मिल चुका है जो कि यार काफी ज्यादा ओपी, क्योंकि यार मेरे कने अभी खाने की लिटरली मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा कमी है, और मेरे को यार कम से कम 20 ब्रेड तो मिल चुका है जो कि यार काम आ जाएगा, और यार वाटर भी मिल चुका है जो कि यार काफी ज्यादा अपने लिए अभी रेयर है, क्योंकि यार ये वाटर को मैं क्या सोच रहा हूँ पता है गाइस यहाँ कने इसके एज में जो है ना यहाँ पर लगा देता हूँ, और मैं जैसे ही अपने यहाँ वन ब्लॉक से गिरूंगा ना वैसे मैं वर्ल्ड को यानी वाटर को पकड़ लूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। देखो ऐसा मैं पकड़ लूंगा और ओ माई गॉड यार यार लिटरली मैं यार फोन वालों लोग का ना बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं बेसिकली पता है फोन में खेल रहा हूँ ना गाइस जिसको पॉकेट एडिशन कहते हैं
जो जावा एडिशन होता है यार, उसका जो वाटर आप ऊपर से गिराओगे तो बहुत ज्यादा नीचे तक जाता है, लेकिन भाई ये 8-10 ब्लॉक गया और पानी खत्म हो गया यार। फोन वाले लोग के लिए हर चीज की कमी है, पर क्या कर सकते हैं, अपन गिर गए और अपने को एक चेस्ट मिला, वहां से अपने को काफी ज्यादा बोन मील भी मिला है। बोन मील बेसिकली गाइस उसके काम आता है, जैसे कि आप कोई भी सैपलिंग्स लगाए हो तो उसको ग्रोथ जल्दी दे सकते हो, तो बोन मील तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ कनेक्ट सुअर भी आ चुका है, यानी कि एक पिग आ चुका है, अपने को एक तो पॉक चॉप भी मिल जाएगा यार, और रॉ मिलेगा, अपन उसको कुक्ड करके खा लेंगे। और यहाँ का मेरे को कुछ फ्रूट्स मिले, उसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। खाने की कमी बेसिकली गाइस होनी नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ जितना हो सकता उतना माइनिंग करते रहना है। और यहाँ का जो सैपलिंग है ना गाइस उसको लगा देता हूँ और बोन मील से इसको उगा भी देता हूँ। बोल रहा था ना बोन मिल का क्या यूज है, तो मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूँ। रुको, ये वाले जो चीज मेरे को मिला है ना गाइस, सैपलिंग्स मिला है और ये जो बीट फ्रूट मिला है, ये सबको मैं यहाँ कने लगा दिया हूँ। और भाई साहब ये जो बोन मिल मैं आप लोग को बता रहा था ना, इससे अपन ये सैपलिंग में डालेंगे ना तो इससे भाई डायरेक्टली तो पेड़ उग जाएगा, लेकिन भाई ये नूबड़ी का इतना ज्यादा खाया भाई मेरा बोन मिल क्या बताऊं। और देखो गाइस अपने को ना ऐसे सर्वाइव करना, जैसे ही अपने को सैपलिंग मिलेगा उस सैपलिंग में अपन को बोन मिल डाल के ट्री उगाना है, और ट्री से अपन जैसे ही ट्री का माइन करेंगे ना तो अपने फिर से एक सैपलिंग मिलेगा और लॉग मिलेगा, यानी कि ओक लॉग मिलेगा जो कि लकड़ी होती है, और ओक लॉग से अपन का बन जाता है ओक प्लैंक, जिसका क्या बोलते हैं 4 टोक मिलता है अपने को एक की जगह। तो यार ऐसी ज्यादा क्या बोलते पूरे ने बोले ना तो इकोसिस्टम यहाँ का चलता है, अगर सही माने में बताओ तो। अपने को कुछ नहीं करना है, ये जितना भी पेड़ है ना गाइस ये सबको तोड़ना है और ओक लॉग को लेना है, और ये जितनी भी इसकी पत्तियां यानी कि जो लीव्स है उसके अंदर से अपने को सैपलिंग भी मिल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ओक लॉग से मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, प्लैंक बना लेता हूँ, क्योंकि अपनी जगह को अभी अपने को और एक्सपेंड करना है। जल्दी से यहाँ कहने प्लैंक और जो जो काम का सामान है स्टिक उस्टिक वो सबको मैं बना दिया, और जल्दी से ये वाला जो ओक लॉग है तोड़ते। तो ऑलराइट गाइस वहां करने का तो काम हो गया, मैं फिर से माइनिंग में आ गया और यहाँ करने वापस से मेरे कने चेस्ट आ गया। और भाई साहब मेरे को इसका काफी ज्यादा जरूरी था, यानी कि इसका मेरे को जरूरत था यार, मेरे कने अभी एक भी आर्मर नहीं। माइनक्राफ्ट में आर्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, कोई भी अचानक से यार टपक उपक जाएगा मॉन्स्टर वॉन्स्टर और मार देगा, लेकिन इसलिए ना यार अपने को ना आर्मर का जरूरत रहता है। और वापस से मेरे को चेस्ट मिला तो उसमें ब्रेड मिल गया, और स्टार्टिंग में मेरे को एक चेस्ट प्लेट मिला जो कि यार नहीं पता किसके लेदर वेदर का, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उसको पहन लेते हो यार काम आएगा। और जल्दी से ये वाली चेस्ट को भी तोड़ देते, क्योंकि भाई अपने को अभी एक तो स्टोरेज रूम भी बनाना है जहां अपने को पूरा सामान को रखना है, तो जल्दी जल्दी ये वाला काम को करते। तो ऑलराइट गाइस यहां का मैं वापस से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूं, अपने को यहां का माइनिंग करते रहना पड़ेगा। और भाई साहब मेरे को आयरन और ये, ओ भाई साहब क्रीपर आ गए, अरे भाई साहब यार क्या मनहूस बंदा है यार, मैं बोल ही चला था यार कि यहाँ कने से कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर आ जाएगा, और ये नूबड़ी का हरा जानवर आ गया यार। छी यार मेरा जितना सामान था वो गिर चुका है, और कुछ सामान अच्छा हुआ भाई की ऊपर था यार। छी यार इतना गंदा धप्पा किया यार, मेरे को मौका तक नहीं मिला यार दौड़ने का आगे या पीछे जाने का, मेरे को मौका तक नहीं मिला। मेरे कने कोई आर्मर भी नहीं भाई स्ट्रांग सा कि मैं वो क्रीपर के प्रकोप से बच पाओ। और देख रहे हो गाइस मेरी जो शिप है जिसके लिए मैं छोटा सा बेस बनाया था वो वहां पर अटकी हुई है यार, मेरे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है यार, मेरे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैंक्स और जितने भी सारे सामान थे वो सब चल दिए। पर क्या कर सकते हैं यार, अब हाथ से वापस से माइनिंग करना पड़ेगा। मैं मस्त अभी पिकैक्स से और एक्स से माइनिंग कर रहा था, कोई नहीं यार गाइस मनहूसियत क्या बोल सकते, लेट्स गो माइनिंग करते, क्या कर सकते और इसके सिवा। तो चलो यार गाइस यहाँ करने में काफी ज्यादा फाइनली माइनिंग कर लिया, एंड यार क्या कर सकते हैं यार, उस हरे जानवर का तो कोई इलाज नहीं है। बाय द वे गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, यहाँ करने ना यार तो अपना टेम्परेरी जो चेस्ट है ना गाइस उसको मैं बना लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को स्टोरेज यहाँ करने रखना है। जितना भी मेरे को सामान मिल रहा है गाइस, मेरी जो छोटी सी इन्वेंट्री जो मेरा बैग होता है, यानी कि नॉर्मल भाषा में इसको बैकपैक कह सकते, वो गाइस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, यानी कि थोड़ा सा सामान वहां पर रख सकते। दैट इज वाई यहाँ करने में थोड़ा चेस्ट बना दिया बड़ा बड़ा, तो यहाँ करने में 3 चेस्ट बना दिया जो लार्ज चेस्ट कहते, तो यहाँ का चेस्ट को बना दिया। और जितना भी सामान है गाइस वो सब को यहाँ का मैं डाल दूंगा, क्योंकि यार इतना सारा ब्लॉक मिल रहा है, इतना ज्यादा सामाने मिल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसका कहाँ यूज करूँ। और उसके कारण यार पूरा जो बैकपैक है यानी कि जो मेन इन्वेंट्री है वो पूरा भर जा रहा है। तो यहाँ का मैं जितना भी सामान है वो सबको डाल देता हूँ और फिर वापस से यार माइनिंग करने लग जाते, क्योंकि उसके सिवा और कोई काम ही नहीं है यार। लेट्स गो यार माइनिंग करने का क्या कर सकते यार, पता है नॉर्मल वाले माइनक्राफ्ट में अपन जाते थे क्या क्या करते थे, मेरे को खुद भी नहीं पता है, बहुत मजा आता था यार। लेकिन वन ब्लॉक में भाई अपने को यहाँ का इन्फिनाइट यानी कि
काउंटलेस माइनिंग करना है और जितना भी ब्लॉक मिलेगा वो सबका यूज करना है, क्योंकि उसी से अपन खेल सकते हैं। और भाई साहब मैं गिर गया यार वापस, छी यार मैं क्या बंदा हूं यार। मैं खुद बोला हूं कि वो जो स्टार्टिंग में वो जो ब्लॉक था उसके ऊपर अब अपन खड़े होके माइनिंग करेंगे तो अपन गिर जाएंगे, पर कोई नहीं, क्या कर सकते। जल्दी से माइनिंग करते गाइस, और मैं आप लोग को एक घंटे बाद मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज्यादा माइनिंग करना है यार यहाँ कने। अब मैं यहाँ कने एक तो पोजीशन जमा लेता हूँ, लेट्स गो। खोदते रहे भाई, खोदते रहे अपने हाथ से खोदते रहे। मेरे को इतना सामान अभी लाना है भाई, क्या बताऊं। तो लेट्स गो यहाँ कने माइनिंग करते हैं। तो ऑल राइट गाइज, यहाँ कने मैं माइनिंग कर करके भाई फाइनली थक चुका हूँ, और मैं जो अपनी जगह को यार थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया हूँ, और वापस से मेरे को चेस्ट में कुछ सामान मिला। और देख रहे हो गाइज, इतना ज्यादा मेरे को सामान अभी तक मिल चुका है जो कि माइनिंग कर करके आ गया है। और इतने ज्यादा यहाँ कने जितने भी जानवर आए थे गाइज, उन लोग बार बार गिरे जा रहे थे, दैट इज भाई मैं उन लोग को मार के उन लोग का मीट ले लिया और वो सबको अपने लार्ज वाले चेस्ट में भाई कलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ कने माइनिंग करते करते यार हालत खराब हो गया, और क्या ही बताओ गाइज, यहाँ कने जितना भी मेरे को लॉग मिला ना वो सब को यार मैं सैपलिंग को और लॉग को यार बना बना के पेड़ उगा उगा के, यानी कि ट्री वापस से उगा उगा के ग्रो करके वो सब का गाइस यहाँ कने मैं लॉग बनाया, और वो सब से भाई मैं प्लैंक बना लिया वो लॉग से। तो यहाँ कने अपने कने अभी बहुत ज्यादा क्या बोलते प्लैंक तो हो चुका है जो कि मैं चेस्ट में रखा हूं। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूं पता है गाइस, अभी मस्त मौका है, अपने कने इतना रिसोर्सेस हो गया भाई, 3 घंटे से यहाँ कने खुदाई कर रहा हूं, क्या बताऊं मैं आप लोग को। ये वीडियो को मैं काट के दिखा रहा हूं, तो हाँ वो सब छोड़ो। तो यहाँ कने जितना भी मेरे को मिलेगा गाइस, तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से कहूँ ना कि अपने को भाई अपने इस जगह को एक्सपेंड करना है, तो जल्दी जल्दी इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ऑल राइट गाइस, यहां तक मेरा फाइनली एक्सपेंड हो चुका है। मेरे को गाइस यहां करें ना कम से कम 6x6 या 7x7 का जगह बनाना है, जहां पर यार मैं पशुपालन करूंगा, यानी कि भाई क्या बोलते एनिमल्स लोग का फार्मिंग करूंगा, क्योंकि मेरे को एनिमल्स लोग के रखने के लिए अलग से जगह बनाना है। तो लेट्स गो, इसको बनाते हैं, और फाइनली वाला बन गया। और मेरे को ना अभी थोड़ा सा प्लैंक्स और चाहिए गाइस, क्योंकि ना वो जो जगह है ना वो बेसिकली अभी अंधूरा है, और मेरे को ना थोड़ा सा फैंस भी चाहिए, पर यार फैंस बाद में बनाऊंगा। और ये रुको रुको यार, बना लेता हूँ यहीं लगे हाथ, यहाँ कने आए हूँ तो बना लेता हूँ यार गाइस, वापस कौन आते रहेगा। तो जल्दी से इसको बनाते, और पता है गाइस जो स्टार्टिंग का जो रास्ता था ना वो सबको गाइस मैं ना बेसिकली बताऊँ तो ब्लॉक से बना रहा था, लेकिन भाई अभी ब्लॉक की अपने कने कमी और गरीबी चल रही, तो दैट इज वाई मेरे को स्लैब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक ब्लॉक होता है उसका शायद आधा होता है स्लैब ना, नहीं यार एक ब्लॉक का 2 स्लैब मिलता है अपने को, मैं भी भूल रहा हूँ यार। हाँ तो स्लैब से बनाते, और यहाँ कने इसको पूरा कंप्लीट में फाइनली कर दिया हूं। और देख रहे हो गाइस यार, यहाँ कने ना गरीबी चल रहा है भाई, समझे करो। अपन यहाँ कने डिजाइनिंग में बोला हूँ ना स्टार्टिंग से, अपन यहाँ डिजाइनिंग विजाइनिंग दे नहीं सकते, अपने को यहाँ कने काम करना है, बेसिकली जो काम काम का चीज है वो बनाना है। तो देखो यहाँ कने मैं पूरा फेंस लगा दिया, और जल्दी से यहाँ कने ना फेंस के लिए जो फेंस का डोर होता है उसको लगा देता हूँ गाइस, और ताकि ना यार थोड़ा अच्छा लगे यार, कौन बार बार इसको तोड़ के अंदर जाएगा, यानी फैंस का डोर रहेगा तो मस्त खोलो और अंदर जाओ। देखो ये खुल गया और अंदर जाओ, और ये नुबड़ी यहाँ कने कब से खड़ी, चल भाई तू मेरे कने एक ही ठोक गाय है, जल्दी से अंदर चल दे, यहाँ कने बदमाशी दिखाएगी तो यहाँ तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ओ भाई गिर मत यार प्लीज गिर मत, मत मेरी माँ, अंदर चल दे यार प्लीज, एक ही ठोक है यार तू, अभी दूसरा आने दे, ब्रीडिंग करवा के इतना संख्या बढ़वा दूंगा ना फिर तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी अंदर चल दे नुबड़ी की। और भाई साहब फाइनली अंदर चल दी, और लेट्स गो अपना जो दूसरा काम है उसको करते हैं अपन, जैसे कि यहाँ कने अपने को वापस से माइनिंग करना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके सिवा काम ही नहीं, और मैं यहाँ दूर होके माइनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यार कभी भी कोई भी टपक जाता है। तो लेट्स गो, जल्दी जल्दी यहाँ कने मैं माइनिंग करता हूँ, और भाई साहब चेस्ट आए तो, और भाई साहब ऐसा लग रहा है कि फाइनली माइनक्राफ्ट के 1 ब्लॉक वाले ने अपने ऊपर थोड़ा कृपा दिखाया, क्योंकि यार उन लोगों ने हम लोग को चेस्ट में अब डायमंड और गोल्ड देना स्टार्ट कर दिया, जो कि काफी ज्यादा ओपी है। और सामने साइड में एक तो आप लोग फ्रॉग भी देख सकते हो, जिसको मेंढक कहते हैं, वो भी भाई अचानक से यहाँ कने स्पॉन होना स्टार्ट हो गया, यानी स्पॉन होना स्टार्ट नहीं हुआ, मैं माइनिंग करते गया तो ये अचानक से निकलते गया, तो यार काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। मेरे को उसका पता नहीं कि वो कौन से फूड से बेसिकली टेम होता है, नहीं तो यार उसको मैं टेम करके वहां बांध बांध देता, पर वो सब छोड़ो, जल्दी जल्दी यहाँ कने माइनिंग करते। और मेरे को ऐसा लग रहा है यार वापस से चेस्ट में कुछ तगड़ा सा चीज आया, और भाई साहब मेरा एक तो फ्रॉग जो गिर गया, पर भाई साहब वो सब छोड़ो, मेरे को वापस से चेस्ट में डायमंड एंड गोल्ड मिल गया, जो कि यार काफी ज्यादा रेयर एंड काफी ज्यादा ओपी। बेसिकली गाइस मेरे को डायमंड का इतना ज्यादा जरूरत है ना कि मैं क्या बताऊं यार, मेरे को डायमंड का ना आर्मर बनाना है, तो यार डायमंड का बहुत जरूरत है, और लिटरली मैं बता रहा हूं यार माइनक्राफ्ट के जो 1 ब्लॉक वाले हैं ना मेरे ऊपर तो भाई
उन लोग का कृपा आ गया भाई, लिटरली हर 5 से 10 चलते सेकंड में भाई दूसरा ब्लॉक आ रहा है, और उस वाले चेस्ट में भाई अपने को ना डायमंड और गोल्ड मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा ओपी है। तो जल्दी से यार फिर से कोई सा चेस्ट आ जाए और मेरे को वापस से डायमंड मिल जाए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आर्मर बना पाऊं और इन नुबड़ियों से भाई थोड़ा सा क्यों सेफ रहो। और वापस से भाई चेस्ट आया और माइनक्राफ्ट वाले लोगों ने यार सच में बता रहे हो भाई क्या बताऊं मैं, वापस से डायमंड मिल गया। तो जल्दी से ये सबको लार्ज वाले चेस्ट में भाई जमा लेते, नहीं तो मैं गिर उड़ गया ना तो पूरा डायमंड उमेंट फाइमंड सब निकल जाएगा यार कने। बाय द वे वो सब छोड़ो गाइस, अभी टाइम आ चुका है कि अपने कने काफी ज्यादा वापस से रिसोर्सेस हो चुका है और अपने को अपने वर्ल्ड को ये वाले जगह को बढ़ाना है 1 ब्लॉक के। तो बेसिकली गाइस करने मेरे को जितना भी वो था ना प्लैंक्स था ना वुड का, वो सब को यार मैं स्लैब बना के इधर बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे को ना एक साइड तो मैं उधर लेके गया, आप लोगों को सामने साइड दिख रहा होगा वो वाला जगह, बेसिकली क्या बोलते हैं फार्मिंग में कर रहा हूं एनिमल लोग का, वहां करने मैं एनिमल्स लोग को पाल रहा हूं और उन लोग से ब्रीडिंग वुडिंग करवाऊंगा। तो वहां करने का तो एरिया को आप छोड़ो, वो वाला जगह तो एक तरफ से क्या बोलते हैं वो हो गया, बुक हो गया। अब बेसिकली गाइस मेरे को इस साइड ना अपने क्या बोलते हैं स्टोरेज रूम बनाना है। इस साइड मैं सोच रहा हूं कि स्टोरेज रूम बनाता हूं एक तो प्रॉपर सा, जहां पर बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में चेस्ट होंगे और क्या बोलते हैं फर्नेस होंगे, क्योंकि यार अपने को खाने का कमी हो रहा है और खाने का जैसे कि अपने को कमी भी नहीं होता, अपन रॉ फूड नहीं खा सकते गाइस, उससे अपने को एनर्जी नहीं मिलता ज्यादा, तो अपने को कुक्ड फूड खाना है। तो इसलिए यार यहां करने में पूरा ना क्या बोलते हैं अपने को एक तो जगह बनाना है यानी कि एक तो बेस बनाना है। तो वापस से मैं यहां करने माइनिंग करना स्टार्ट कर दियो क्योंकि रात हो गया और मुझे को उधर दिख नहीं रहा, और वापस से यार मेरे को क्या बोलते हैं डायमंड एंड गोल्ड मिल गए जो कि यार काफी ज्यादा ओपी है गाइस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार यहां करने में माइनिंग करते और हर भाई ये देखो वापस से चेस्ट आ गया और यार इस बार डायमंड ओके ओके मिला है और अपने को बहुत ज्यादा यार फूड का जुगाड़ भी हो गया। और भाई साहब मेरे को टोटेम ऑफ अनडाइंग मिल गया है, गोल्डन एप्पल मिल गया जो कि यार काफी ज्यादा रेयर है गाइस, लिटरली मैं बता रहा हूं माइनक्राफ्ट वाले भाई कसम से बता रहे यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोग थोड़ा सा कृपा दिखा रहे यार, स्टार्टिंग में इतना घटिया ब्लॉक मिल रहा था लेकिन अब अच्छा मिल रहा है। तो लेट्स गो वापस से इस जगह को बढ़ाते, सुबह हो चुका है मैं सो के उठ चुका हूं, अपने इस जगह की बेस को एक्सटेंड करते यानी कि बढ़ाते हैं और इस साइड भाई एक स्टोरेज का क्या बोलते रूम बनाते जो कि यार अपने को जरूरी। बेसिकली मैं अभी एक घर तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है, तो फर्स्ट एपिसोड में इतना सब काम करना यार इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो दैट इज वाई जो बेसिक चीज है वो सबको मैं कर लेता हूं। बाय द वे अगर आप लोग को सेकंड एपिसोड चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में बताना, मेरे को पता नहीं आप लोग का टेस्ट आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं वन ब्लॉक। अगर पसंद आ रहा होगा तो यार प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना कि सेकंड एपिसोड चाहिए कि नहीं, तो मैं सेकंड एपिसोड भी लाने का सोचूंगा क्योंकि भाई जो 1 ब्लॉक का सीरीज है लिटरली इसमें बहुत मेहनत लगेगा गाइस और इसमें सबसे ज्यादा टाइम मेरा जा रहा है वीडियो बनाने में। जो बाकी सब वीडियोस होते हैं ना जो गेम प्ले खेलता हूं उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन गाइस इसको बनाने में मेरे को कम से कम इसका रिकॉर्डिंग करने में मेरे को 3-4 घंटा लग जा रहा है और एडिटिंग में तो भूल जाओ यार 5 घंटा लग जाता है। फिर एक्सपोर्ट करने में भाई फोन में एक्सपोर्ट करो ना तो कम से कम 4 या 5 घंटे में होता है यार, तो काफी ज्यादा टाइम चल देता है यार, 8-10 घंटा तो वीडियो रेडी होने में चलता है और रात को फिर उसको अपलोडिंग में लगाओ, इस कारण यार बहुत ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन कोई नहीं गाइस, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो भाई टाइम वाइम चाहे भाड़ में आप लोगों का भाई उसको लेके आएगा भाई। अगर आप लोगों को जो चीज पसंद आ रहा है और आप लोग मेरे को कमेंट में बोलोगे कि हाँ भाई हम लोग को ये चीज पसंद आ रहा है तू लेके आ, तो भाई मैं टाइम वाइम मेरे लिए फिर मैटर नहीं करता क्योंकि गाइस आप लोग की जो पसंद है भाई फिर वो मेरी भी पसंद है, तो वो सबको छोड़ो, वो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में बता देना सेकंड एपिसोड ले आऊंगा भाई तभी। हाँ वो सब छोड़ो यार मैं कहाँ बीच में घुस गया था, तो जल्दी से वाले बेस को ना बढ़ाते हैं और अपने को भाई ये पूरे बेस को एक्सटेंड करना है। और उधर साइड देख रहे हो गाइस जहां पर अपने को इनफिनाइट ब्लॉक मिला है माइनिंग करने के लिए, वहां पर मैं स्टोरेज के लिए बना के रखा था, अब वो अपना इधर ट्रांसफर हो जाएगा जो कि मेरा पूरा बन चुका है। और देख रहे हो गाइस यहां करने मैं जहां चल रहा हूं फाइनली अपने स्टोरेज का रूम बन चुका है। जल्दी से यहाँ करने जितना भी चेस्ट है ना गाइस वो सबको मैं बना के ले आऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फैंस बना के लाया हूँ क्योंकि यार गाइस आप लोगों को पता है ना 1 ब्लॉक में अगर आप एक भर भी गिरोगे तो जितना भी सामान है वो सब नीचे चल देगा, दैट इज वायर कोई मतलब नहीं हो जाएगा खेलने का। तो फैंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरे फैंस को यहाँ करने में लगा देता हूँ क्योंकि यार अगर फैंस को नहीं लगाऊंगा तो मैं बेसिकली गिर जाऊंगा यार, दैट इज वायर मेरे को फैंस को लगाना पड़ेगा। और जल्दी से अब चेस्ट को भी बना के मैं ले आता हूँ, लेट्स गो।
तो यार गाइस फाइनली आकर जितने भी फैंस थे वो सबको मैं लगा दिया। मैं थोड़ी देर में चेस्ट भी लगा दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यार गाइस, अब जो रिस्क है ना भाई गिरने का, वो बेसिकली पूरा कम हो चुका है गाइस। क्योंकि फैंस यार रोक देते एक बंदे को गिरने से या फिर आगे बढ़ने से, और अपन जंप वंप करके भी गलती से वहां से जा नहीं सकते। तो यहाँ कहीं ना मैं सो जाता हूँ भाई बेड को लगा के, क्योंकि गाइस यहाँ कहीं अभी रात हो चुका है और रात को मेरे को दिखाई नहीं देता भाई अच्छे से, क्योंकि मेरे कहीं पोल नहीं, उसके कारण मैं टॉर्च भी नहीं लगा सकता हूँ। तो दैट मैं सो के उठा और जैसे ही माइनिंग करना स्टार्ट किया भाई, यहाँ कहने वापस से मेरे को चेस्ट मिल गया और उसमें से यार वापस से मेरे को डायमंड एंड गोल्ड्स मिल गए और काफी ज्यादा भाई मेरे को आयरन मिल गया। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस मैं सेकंड एपिसोड में या फिर जो आने वाले एपिसोड भाई उसमें अपने आर्मर में काम करूंगा और देख रहा हूँ यहाँ कहने मेरे को कौन सा डिफरेंट टाइप का क्या बोलते एरो मिला, उसको मैं कलेक्ट कर लिया। और गाइस यहाँ कहने देख रहा हूँ नीचे साइड में काउंट डाउन आ रहा है जो कि यार 17, 16, 15 ऐसा करके आप लोग को दिखा रहा होगा, ऐसा हो रहा है। और भाई साहब यहाँ कहने गोट आई है कि एक बकरी आई भाई, और मेरे लिए एक तो डॉग भी भेजा गया भाई माइनक्राफ्ट की तरफ से। तो हाँ वो सब छोड़ो, वो जो काउंटडाउन हो रहा है ना गाइस उसका मतलब ही ये जो ब्लॉक है ना गाइस अपग्रेड होने वाला है, यानी कि हमें नया चीज मिलने वाला है। और देखो गाइस youtube.com/c/ytfrstdr95 समझ नहीं आ रहा यार, इसको मेरे को ऑफ करना है, ये बहुत ज्यादा ना परेशान करता है यार, कुछ भी होता है बोलते रहता है। पर वो सब छोड़ो, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो अपने को ब्लॉक मिल रहा था ना गाइस वन ब्लॉक, वो अब शायद का अपग्रेड हो चुका है। अब अपन बेसिकली माइनिंग करेंगे तो कुछ नया चीज मिल सकता है। तो ये जो गोट है यानी कि जो बकरी नुबड़ी, ये सबको भाई वहां का मेरे को लेके जाना है, यानी कि अपना जो वहां फार्म हाउस बना है नुबड़ी के वहां जाना। क्या इधर मुंह में घुसे जा रही, कब से मोहब्बत से तेरे को उधर लेके जा रहा हूं प्यार से, चल घुस जा अंदर। ओ भाई साहब, भाई जंप करके अंदर चल दी भाई वो बंदी, भाई वो सुपर गोट है भाई, सुपर गोट है वो, सुपर गोट है यार लिटरली मैं बताऊ तो भाई वो बंदी जंप कर दी। अगर करती होगी तो मेरे को समझ नहीं है भाई, मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं करती तो भाई मेरे फर्स्ट टाइम है भाई। और वो ऐसा की, और भाई साहब यहाँ पोलर बियर उवर आ रहे भाई, अलग ही सीन चल रहा है वन ब्लॉक का भाई पोलर। ओ क्या बेटे नुबड़े ट्रेडर आया भाई अपने कहते उसमें वन ब्लॉक में, और देख रहे हो गाइस हमेशा की तरह नुबड़ी का कुछ काम का नहीं लेके आता है, लेकिन भाई जितना भी है वो रेयर है तो इसलिए उसको रहने देते, नहीं तो भाई अगर ये नॉर्मल वर्ल्ड में अगर मिला होता ना तो इसका मुंह फोड़ देता अभी तक मैं। बाय द वे गाइस हाँ मैं बोल रहा था ना मेरे को चेस्ट का यहाँ पर रूम बनाना है कि नहीं, स्टोरेज रूम बनाना है। तो मैं काफी ज्यादा चेस्ट जो मेरे को मिल रहे थे वो सबको यार मैं माइन कर करके ले आया और कुछ बना के भी ले आया। अब अपने को यहाँ कहीं स्टोरेज रूम बनाना है तो गाइस अच्छे से यहाँ कहीं चेस्ट को रख देते, और बाद में मेरे को कोबल स्टोन भी थोड़ा बहुत और मिलेगा तो मैं वहां पर फर्नेस और एक तो ब्लास्ट फर्नेस भी बना दूंगा। बाय द वे मेरे कहीं एक तो ब्लास्ट फर्नेस है तो उसको भी मैं रख दूंगा वहां, मेरे को आई थिंक माइनिंग में मिला था वो या कहां मिला था मेरे को याद नहीं है। तो जितना भी सामान है ना गाइस वो सबको एक कचरा सामान जो भी है उल्टा फुल्टा जो सामान है उसको अपन ये वाले चेस्ट में रखेंगे। और जो भाई अपना मेन इंपॉर्टेंट सामान है ना गाइस जो आप लोगों को दिखा रहा हूं, रुको यहां सबसे पहले ना ये सब मेन मेन जो चीज अपने को मिला है जैसे कि टोटेम ऑफ अंडा गोल्डन एप्पल और गोल्ड और क्या बोलते हैं डायमंड आयरन इंगट, ये सब जो मिला है ना गाइस उसको अपन ये वाले चेस्ट में रखेंगे, और कॉपर ऊपर और भाई आयरन और ये सब चेस्ट में रखेंगे, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा भाई एकदम लग्जरी टाइप का चेस्ट है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सबको रखेंगे भाई। इधर उधर अगर ये सब इंपॉर्टेंट चीज को रख देंगे ना तो टाइम में मिलेगा नहीं तो दिक्कत जाएगा, तो ये सबको मैं इधर रख दिया हूं। अब लेट्स गो वापस से चलते और माइनिंग करते भाई, ये सबके लिए फालतू वक्त नहीं है, यहाँ अपना मेन काम है माइनिंग करना, तो जल्दी जल्दी यहाँ माइनिंग करते। और फाइनली एक तो आयरन आया और भाई साहब मेरे सामने एक तो विलेज आ गया नुबड़ी का, वो भाई 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 एक तो विलेजर स्पॉन हो गया भाई साहब, आजा भाई आजा यार, कसम से तेरी काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें जरूरत है अभी कि नहीं। बाय द वे मैं एक तो बोट बना लिया हूँ, अब जल्दी से विलेजर को भाई मैं उधर अपने बोट में बैठा के ले जाऊंगा। चल ना भाई चल ना, बेकार मेरे हाथ से मार वार खा जाएगा नुबड़ी के, प्यार से तुम लोग को बोलता हूँ तो समझ नहीं आता है कि लाज जूता मान के मानोगे। ओके तो फाइनली ये बोट में बैठ गया, अब जल्दी से जो अपना स्टोरेज रूम है ना गाइस बेसिकली वहां कने मैं इसको रखने वाला हूँ, क्योंकि और कोई जगह नहीं मेरे कने, तो यहाँ कने मैं इसको बंद कर देता हूँ फैन से। और यहाँ कने एक तो ट्रेडर भी है जो अचानक से स्पॉन हुआ तो अपने घटिया लामा थूकने वाले के साथ नुबड़ी के। ओके तो वो लोग हो गए, और भाई साहब ये काहे इधर आए जा रही मरे जा रही भाई, यहाँ काम धाम चल रहे, बकरी का कोई यूज भी नहीं। और भाई साहब एक और वो हो गया भाई, एक और विलेजर क्या बोलती स्पॉन हो गया यहाँ कने। और भाई साहब रुको 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 रुको, ये भाई बर्फ वाला ये नुबड़ी का आ गया, वो भाई स्केलेटन आ गया। भाई साहब मत मार यार प्लीज मत मार, मेरे कने कोई आर मार नहीं, मेरा हार्ट कम हो रहा है भाई साहब, मेरे कुत्ते को भी पड़ गया भाई, मेरे डॉगी को भी इसका तीर पड़ गया। और भाई हेलो हेलो काटेगा क्या भाई, मैं तेरा दोस्त हूं नुबड़े,
काटेगा क्या? प्लीज यार काटना मत यार, तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा दोस्त है ना। ओ भाई साहब, इसको दोस्त बोला तो यार फाइनली जो इसका गुस्सा था, यानी कि जो इसका आंख लाल हो चुका था, वो गायब हो चुका है यार। मैं डर गया था यार, एक ही ठोक मेरे कहने प्यारा सा डॉग आया यार, मेरे को डॉग्स बहुत अच्छे लगते, और यार वो भी मेरे से खफा हो जाएगा, यानी कि गुस्सा हो जाएगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो बात ठीक है कि वो ठीक हो गया। चल बेटे उधर चल, वो जो विलेजर, इसको भी उधर ही लेके चलता हूँ। और ओ भाई यार, आप लोग एक तो बात बताओ, स्लैब्स के ऊपर जॉम्बी कब से स्पॉन होने लग गए? और जो मैं जॉम्बी को वहां पकड़ के लेके गया था, वो भाई विलेजर जॉम्बी बन गया है यार। क्या सीन चल रहा है यहाँ का? नहीं, इन लोग गुंडाई कर रहे, रुको इन लोग का गुंडाई निकालते हो अभी नुबड़ी के। मैं सो के उठो, कैसे बेटे तुम लोग स्लैब के ऊपर स्पॉन कैसे हो रहे? मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रहा, क्योंकि माइनक्राफ्ट में जो जॉम्बी से गाइस वो कहीं भी स्पॉन हो सकते हैं, लेकिन टॉर्च वाले जगह में यानी जहां लाइटिंग होता है वहां पर स्पॉन नहीं होते, और जो स्लैब्स अपन लगाए रहते फ्लोर में उसके ऊपर स्पॉन नहीं होते। और भाई साहब इन लोग स्लैब्स के ऊपर चल रहे है नुबड़ी के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहाँ कहीं दादागिरी करोगे? है दादागिरी करोगे? मेरे को तो ऐसा लग रहा है गाइस, ये सब के लिए अपने को सेकंड एपिसोड में सब काम करना पड़ेगा। और जो स्टार्टिंग में अपन खेलते विलेजर को पाए थे वो भी मर गया, ऑब्वियसली बात है यार, वो विलेजर जॉम्बी बन गया था और सूरज के रोशनी से मर गया। और अपने कहने अभी एक एरिक है, आई थिंक एरिक ही नाम है इसका, जो प्रोटीन फ्लैश का ट्रेडिंग करता है, तो क्या ही कर सकते यार। तो ऑल राइट गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। भाई ये वीडियो को बना के भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ थक चुका हूँ गाइस, और बहुत मुश्किल से यार जितना हो सका उतने ज्यादा अपने खेलते वर्ल्ड को एक्सटेंड किया मैं। और बेसिकली यहाँ कहने में एक ठोक एनिमल लोग को रखने के लिए जगह बनाया, और अपना स्टोरेज टाइप का एक ठोक बेस बनाया, मैं उसको रूम या फिर घर भी नहीं बोल सकता, लेकिन जितना बना भाई मैं उतना किया। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं फर्स्ट टाइम वन ब्लॉक खेला यार, मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ यार, क्योंकि आप लोग सजेशन दोगे तो मैं वैसा फॉलो अप करूंगा और ज्यादा मजा आएगा। यानी कि बाय द वे, अगर सेकंड एपिसोड चाहिए होगा ना, तो इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ 25 लाइक का, यानी कि 25 लाइक्स का रखता हूँ। तो जल्दी से जाके वाला गोल कंप्लीट कर दो, सेकंड एपिसोड ले आऊंगा, और कमेंट में भी बताना चाहिए कि नहीं। बाय द वे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय। Oh, I'd choke you down just like a